मेरे साथ इस पूरे मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खास बात यह है कि इनके फादर आसिम अंसारी साहब 70 साल तक इस पूरे मामले से जुड़े रहे, उन्होंने केस लड़ा, आखिर 3 साल पहले इनकी मौत हो गई। लेकिन उनको और उनके बेटे इकबाल अंसारी साहब को लगता है कि जो मेरे फादर ने केस लड़ा आज उन जो चाहते थे आज पूरा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद इकबाल अंसारी साहब। इकबाल साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है राम जन्मभूमि को लेकर के कि जमीन उनको दी जाए जो विवादित जमीन थी, किस ढंग से देखते हैं? देखिए, सवाल यहाँ बाबरी महल तो राम जन्मभूमि का है। ये मुकदमा 70 साल का रहा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज कोर्ट ने फैसला कर दिया। हम इससे पहले भी कहते रहे जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, तो आज भी हम कहते हैं हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। कोर्ट में जो है हार जीत तो होती रहती, इसीलिए कोर्ट बना हुआ है। फैसला जो भी कर जो है हुआ उसका हम सम्मान करेंगे। और पहले जो है और पूरे देश दुनिया को भी हम यही संदेश जो है दे रहे हैं कि हम पक्षकार हैं, हमने भी फैसला मान लिया है, तो आप लोग भी माने। कोई ऐसी वाद विवाद ना करें जिससे जो है देश में अफरा तफरी का कोई माहौल हो, क्योंकि ये अयोध्या है, धार्मिक नगरी। अगर फैसला हमने मान लिया तो आप भी मान लीजिए, क्योंकि ये जो है हिंदू मुस्लिम की एक तहजीब यहाँ अयोध्या की है, गंगा जमुनी तहजीब। हम लोग आपस में कभी लड़ते नहीं। फैसला कोर्ट को करना था, कोर्ट ने कर दिया, हमने फैसले को मान लिया। आपके फादर आसिम अंसारी साहब ने 70 साल तक केस लड़ा, 3 साल पहले उनकी मौत हुई, तो आपको लगता है कि वो जो चाहते थे जो केस उन्होंने लड़ा 70 साल तक, आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप उनसे खुश हैं? आपके फादर का जो सपना था, जो फादर आपके चाहते थे आसिम साहब, वो पूरा हुआ है आज? देखिए, अब वो इस दुनिया में है नहीं, वो क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। उनके ज़माने में भी जो है मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था, वो भी यही कहते रहे कोर्ट आज फैसला करे, आज करे, अभी करे, क्योंकि वो जो है उनका भी यही कहना था जो कोर्ट फैसला करेगा उसको भी हम मान लेंगे। वो भी कहते थे कि इस मामले को ख़त्म करो, इससे लोग राजनीति करते हैं। उनका एक कहना था कि हम कुर्सी और करेंसी के लिए मुकदमा नहीं लड़ते, मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, जो कुछ भी होगा उसको हम मानेंगे। तो वो आज खुश होते जो आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो आज होते? वो जो है उनको जो खुश होना था वो 25 साल पहले जो है वो खुश हो चुके थे। वो तो जो है यहाँ को मीडिया वालों को करीब में जो है भगाते थे, वो कहते थे अब क्या रखा है। जफरा गिलानी साहब ने, आज गिलानी साहब ने बोला है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, हम आगे देखेंगे क्या करना है। आपको क्या लगता है ये कौन क्या कर रहा है? इससे हम जो है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 25 पक्षकार हैं। कौन क्या कर रहा है, हम जिम्मेदार अपने आप के हैं। हम पक्षकार थे, हमने फैसले को मान लिया, हमने उसका सम्मान किया। हम दूसरे की बात नहीं करते कौन क्या कर रहा है, क्योंकि 25 पक्षकार हैं। अंसारी साहब, अब क्या बदलेगा अयोध्या में, क्योंकि इतने साल से ये केस लड़ा जाता रहता है कि राजनीति भी होती रही, अलग अलग तरह की पार्टियां मुद्दे भी उठाते रहे इसको लेकर के। अब आपको लगता है अब इस फैसले के बाद अब क्या होगा, अयोध्या में क्या नया होगा, क्या बदलेगा? देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ कुछ बदलेगा नहीं, ना कोई बदल पाएगा। यहाँ साधु संत फकीर सारे जात के देवी देवता विराजमान है, कोई क्या यहाँ देगा? जिसको जो जितना अयोध्या को मिला है उतना जो है सदियों में लोग कहते हैं कि जो है कलयुग में अयोध्या त्रेता युग मनाया, क्यों मनाया जाता है? ये अयोध्या है, ये धर्म की नगरी है, यहाँ सारे जात के देवी देवता विराजमान है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। न पहले से अयोध्या शांत है, और यहाँ के जितने लोग बसने वाले हैं वो सब धर्म के बहुत जो है करीब है, धर्म के हिसाब से लोग काम करते हैं। रहना सहना यहाँ के लोगों में मानवता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे जो है मुसलमान, या ना चोरी है, ना डकैती है, ना बदमाशी है, ना कोई दहशतगर्द है, क्योंकि यहाँ इस्लामी तौर तरीके से भी हिंदू धर्म का रस्म रिवाज से यहाँ कहा गया है ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। अयोध्या पहले भी शांत थी, आज भी शांत रहेगी, क्योंकि यहाँ हर जात के देवी देवता विराजमान है। अयोध्या में सरयू नदी है, अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, 10,000 मंदिर जो है, 10,000 मंदिरों में राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है, शीश अलैहि सलाम की मजार है, नूह अलैहि सलाम की मजार है, क्या कमी है यहाँ? कोई क्या देगा? जो कुछ भी देना था ऊपर वालों ने पहले इसको दे रखा है, यहाँ का आदमी सब खुशहाल है। बिल्कुल, धन्यवाद इकबाल अंसारी साहब। इकबाल अंसारी साहब का कहना है कि वो इस फैसले से खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना चाहिए, और यही यहाँ की एक रिवायत है, यहाँ की एक जो परंपरा रही है कि सब मिलजुल के रहते हैं, और यहाँ पे सब धर्मों के सब जातियों के लोग रहते हैं, और ये फैसला जो है वो उससे कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, पूरे देश को तमाम लोगों को एक्सेप्ट होना चाहिए।